दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं हम टीसीएस की तरफ से जो काफी बड़ी अपडेट आई है आप सभी लोगों के लिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं किसी भी तरह की आपको फीस पे नहीं करनी है। वैसे तो हायरिंग में फीस पे नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों कि टीसीएस के द्वारा जो एनक्यूटी एग्जाम दिया जाता है वो पेड और अनपेड दोनों फॉर्म में होता है। तो ये जो एनक्यूटी है दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है। 23-24 बैच वालों के लिए ये अपडेट आया हुआ है, लेकिन अगर आप 23-24 बैच के स्टूडेंट नहीं है तो भी मैं आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जिसमें आप सब एलिजिबल है और आप सब लोगों को डायरेक्ट एआई इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आप सब लोग डायरेक्ट एआई इंटरव्यू देके यार अपनी प्लेसमेंट यहां पे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में तीन अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। एक फोन पे की तरफ से काफी बड़ी हायरिंग चल रही है जिसमें आप सब एलिजिबल है, डायरेक्ट एआई इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। फिर टीसीएस की तरफ से आई अपडेट के बारे में बताने। तो टीसीएस की तरफ से दोस्तों साइट रिलायबिलिटी की आप देख सकते हैं इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है और ऐसे ही 200 से ज्यादा कंपनियां नेक्स्ट लेवल ऐप पे आपको हायर करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इसमें डायरेक्ट एआई इंटरव्यू देने का मौका मिलने वाला है जिसके जरिए आप लोगों को एचआर से चैट करने का मौका मिलेगा जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। नेक्स्ट लेवल में दोस्तों ऐसे ही कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात यह कि आप सब इसमें एलिजिबल होते हैं और आप काफी आसानी से इसमें जॉब और इंटर्नशिप पा सकते हैं। किसी तरह की कोई फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको करना क्या है, नेक्स्ट लेवल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आपको उसे जल्दी से इंस्टॉल करना है और आप लोगों को दोस्तों डायरेक्ट एआई इंटरव्यू देना है और इसके बाद आप लोगों को यार एचआर से चैट करने का मौका मिलेगा। तो काफी अच्छा मौका है दोस्तों, आप लोगों इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे वीकली कॉन्टेस्ट चलता रहता है जिसके जरिए जॉब इंटर्नशिप और कई सारे पर्क्स आपको ऑफर होते हैं जैसे कि मैकबुक, इसके अलावा अमेजोन किंडल, ये पूरा फ्री होता है जो इसका इनका वीकली कॉन्टेस्ट होता है। एक आज ही होने वाला है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और अब हम बात को स्टार्ट करते हैं टीसीएस की तरफ से जो अपडेट आई है उसके बारे में। तो टीसीएस की तरफ से दोस्तों एक नहीं बल्कि दो रूल हमें देखने के लिए मिल रहा है, मैं आपको दोनों रूल के बारे में बताऊं। तो टीसीएस की तरफ से पहली एक रूल चल रही है दोस्तों स्मार्ट हायरिंग। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग है दोस्तों 2023-24 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे टीसीएस दोस्तों हायर कर रहा है एमबीए वाले स्टूडेंट्स को भी। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो क्या करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, वन बाय वन बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट हायरिंग के बारे में। तो स्मार्ट हायरिंग के रिलेटेड जो आपको अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, अगर बात कर ली जाए इसमें रजिस्ट्रेशन डेट कब एंड हो जाएगी, तो 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी, उसके पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। और यहाँ पे जो टेस्ट डेट है ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर बात कर ली जाए ये टीसीएस स्मार्ट हायरिंग किन लोगों के लिए है, तो 23-24 बैच में जो पास आउट होने वाले हैं बीसीए, बीएससी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी में आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, वीवॉक से अपनी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो 23-24 बैच के जो स्टूडेंट पास आउट होने 2024 में जो पास आउट होने वाले हैं, 23 में जो पास आउट हो चुके हैं वो एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि जो इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें टीसीएस इग्नाइट भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रोग्राम में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आप लोगों को है ना जॉब ऑफर हो सकती है अगर आप इस हायरिंग में अच्छा करते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को ना इनका जो नेक्स्ट पोर्टल है वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाना होगा। इस वीडियो में आपको मैं दोनों डिटेल्स के बारे में बताता हूँ और आगे की नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आऊंगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बता दूंगा, क्योंकि वो वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी, तो पूरा ओवरऑल वीडियो बड़ा हो जाएगा। वैसे मैंने नेक्स्ट पोर्टल में कैसे करते हैं इनके नेक्स्ट पोर्टल में वो डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बता दूं, आपको बता यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा और आप लोगों को ना यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सारा चीज काफी अच्छे से लिखा है, अगर आप ये स्टेप्स पढ़ेंगे तो भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो ये तो पहले हायरिंग के बारे में बात हो गई दोस्तों। वहीं पे दूसरी हायरिंग जो है वो एमबीए हायरिंग चल रही है 24 बैच के लिए। और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए जिस दिन में टेस्ट होने वाला है, 22 जनवरी को टेस्ट है आप लोगों का और 18 दिसंबर तक अप्लाई करने का आपके पास इसमें मौका है। एमबीए स्टूडेंट्स को यहाँ पे हायर किया जा रहा है, जो लोग दोस्तों एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीएम जिस तरह की कोर्सेज कर रहे हैं वो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें भी आपको नेक्स्ट पोर्टल में अप्लाई करना होगा, वहां पे अपना अकाउंट बनाना होगा और डिटेल्स को पूरा कंप्लीट फिल करना होगा। तो इस तरीके से आप इन अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो मैं कल लेके आऊंगा जिसमें आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइएगा। साथ में नेक्स्ट लेवल ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन पे उसे भी है ना जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और आज है वीकली कॉन्टेस्ट, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।